सोमवार को मुख्य अभिनेता वितरण एम के अग्रवाल ने मोहदीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पहुंची और कार्यभार संभाला। विभाग के अन्य कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्राम स्वराज योजना और सौभाग्य योजना द्वारा चयनित गांव में विद्युत वितरण की व्यवस्था कहां तक पहुंची है, किन किन गांव में लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी से तत्काल अवगत कराया जाए। ग्राम स्वराज योजना के तहत कुल 113 गाँव में 12,816 कनेक्शन लगाए जाने हैं, जिसमें अब तक 31 गाँव में कुल 2923 कनेक्शन ही लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारी और संविदा कर्मी विद्युत उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता ना करें। अगर किसी उपभोक्ता के साथ ऐसा होता है तो वह तुरंत हमें अवगत कराएं। उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी उपभोक्ता विद्युत चोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत कर्मचारी अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें और विद्युत उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अभियंता वितरण एम के अग्रवाल ने कहा, तो फिलहाल जब तक कि आदेश नहीं होता है, अगर कोई आदेश है तो वो माना जाएगा, वो हमें दिखाएगा, और नहीं है तो जितनी भी वर्क से रिलेटेड सूचना वो सारी आप मॉनिटर करें, कोई सूचना बननी है, थ्रू लेट बननी है, कोई भी सूचना बननी है, वो सब ये प्रोवाइड करें। ठीक है ना, वाणिज्य दिशा से आप जो भी कमर्शियल की सूचना होगी मिशा ये आप देखिएगा जिस, और जो भी वाणिज्य वो वर्ड्स की सूचना होगी वो आप बना कर देंगे, टाइम भी रहेगा और कोई भी सूचना, जैसे इन्होंने अभी ये जो वो बनी है ईसी की सूचना और मीटिंग की सूचना, ये जो इसका फाइनल कंपाइलेशन होगा वो मिशा ये करेंगे। मैं इससे पहले पश्चिमांचल में था, मेरठ हेडक्वार्टर पर मैं पोस्टेड था और वहाँ से मुझे यहाँ पर स्थानांतरित करके भेजा गया है। मैंने अपना कारोबार कल ग्रहण कर लिया है परसों, और कल भी मैंने अपनी क्षेत्र को देखा था जो भी आवश्यकताएं थी। इससे पहले मैं अधीक्षण अभियंता था, मुख्य अभियंता से पूर्व अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल संभल में था, अति संवेदनशील और उससे पूर्व अधिशासी अभियंता, यानी अधिशासी अभियंता से प्रमोशन होने के बाद भी मैं अधीक्षण अभियंता वहाँ पे वितरण मंडल में गया और वितरण वहाँ से प्रमोट होकर फिर चीफ बना, मेरठ में गया और मेरठ से फिर मैं यहाँ पर। हमारे जो इस समय सर्वप्रथम प्राथमिकता है वो GSA ग्राम स्वराज अभियान शासन द्वारा संचालित है और हमारा ये लक्ष्य है कि हम 21 तारीख तक हमारे गोरखपुर के गांव बचे हुए हैं 86 ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, इन सभी गांव का संतृप्तिकरण, संतृप्तिकरण का अर्थ ये हुआ कि उन गांव में इंफ्रा बना दें और हर घर को संयोजन दे दें। तो ये वो ग्राम हैं ज़्यादातर जो अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य गांव हैं, तो इसमें हमारी प्राथमिकता है कि हम 21 तारीख तक इनको इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दें और इनमें हर घर को संयोजन दें। दूसरी हमारी जो प्राथमिकता है वो सौभाग्य की है। सौभाग्य में 31 दिसंबर 2018 तक सभी घरों को संयोजन दिया जाता है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग और हमारी पूरी टीम कोशिश कर रहेगी कि हम 31 दिसंबर का लक्ष्य पूर्ण कर सकें। अब तक जो दिया गया है कनेक्शन इसका हम डाटा निकलवा लेंगे, आपको वही उपलब्ध हम करा देते हैं, वो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी। सर अभी लक्ष्य से हम काफ़ी पीछे हैं लेकिन इसको पूर्ण करने का प्रयास करा जाएगा। अभी तीसरी प्राथमिकता पर ही आ रहा था जो कि हमारे विभाग के अनुसार सर्वप्रथम प्राथमिकता है क्योंकि हमारा विभाग उसी से चलता है, तो राजस्व, तो राजस्व वसूली में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी बकायेदार होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाएगी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और चौथी मेरी जो टॉप मोस्ट प्राथमिकता रहेगी वो विद्युत चोरी से निपटने की रहेगी। विद्युत चोरी एक तरह से रोको अभियान समझिए कि उसमें कोई भी यदि हमारा भी कोई मेंबर इन्वॉल्व होगा तो उसके भी विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी, और अगर कोई चोरी करते उपभोक्ता पाया जाएगा या उपभोक्ता नहीं भी होगा वैसे ही पाया जाएगा
तो उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर कुछ ऐसे भी शिकायत हम लोगों को मिलते हैं कि गलत उनकी बिलिंग की जाती है और उपभोक्ता उसको करेक्शन सुधार में करने में बड़ा परेशान हो जाता है। सर ऐसी कोई भी शिकायत मिले तो उसको जो संबंधित अधिशासी अभियंता हैं उनको जरूर से उपलब्ध कराएं, ऐसी को उपलब्ध कराएं और मुझे भी उपलब्ध कराएं। उनके जो अगर हमारा, मैंने पहले ही बात में कहा कि ये भी विद्युत चोरी का एक पार्ट है कि अगर उसमें जो है हमारा स्टाफ कहीं पर उसको शोषण कर रहा है जी, उत्पीड़न कर रहा है, तो हमारा अपने स्टाफ के भी विरुद्ध कार्रवाई करें। अभी हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ संविदा के कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारा रेगुलर स्टाफ कम है, तो हमारे यहाँ जो एसएसओ हैं वो आउटसोर्स है, उसी तरह से जो लाइन पे काम करता है वो भी आउटसोर्स है, फिर भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी।